अपनी कुटाई सह नहीं पाए मोहम्मद सिराज, बल्लेबाज से कर ली लड़ाई। तीन गेंदों पर लगातार छक्के चौके खाने के बाद सॉल्ट पर भड़क उठे सिराज। बीच मैच में सिराज ने उस खिलाड़ी पर खोया आपा, अंपायर ने किया बीच बचाव। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पिछले मुकाबले में मैदान पर जमकर बवाल हुआ था। टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर गौतम गंभीर से भिड़े थे। टीम के तेज गेंदबाज नवीन उधक से भी विराट का पंगा हुआ था। अब आरसीबी की टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेल रही थी, इस मैच में भी बवाल हो गया। इस बार आरसीबी के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर बल्लेबाज फिल सॉल्ट में लड़ाई हो गई। मोहम्मद सिराज आईपीएल में बेहतरीन गेंदबाजी कर रही हैं, पावर प्ले में तो उनके खिलाफ रन बनाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने उनकी कुटाई कर डाली। दिल्ली की पारी के पहले ओवर में 10 रन देने के बाद सिराज पांचवा ओवर लेकर आए। पहली गेंद फिल सॉल्ट के बल्ले का टॉप एज लगकर छक्के के लिए चली गई। दूसरी गेंद पर सॉल्ट ने कवर पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद मिड विकेट पर चौके के लिए गई। चौथी गेंद मोहम्मद सिराज ने पटकी हुई फेंकी, यह सॉल्ट के सिर के काफी ऊपर से गई। सॉल्ट ने इस पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद सिराज बल्लेबाज के पास पहुंच गए, दोनों के बीच बहस होने लगी। नाराज सिराज ने सॉल्ट को उंगली भी दिखाई। अंपायर और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर ने बीच बचाव किया। इस दौरान सिराज ने अपने मुंह पर उंगली रखकर सॉल्ट को चुप रहने के लिए कहा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 181 रन बनाए थे। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 55 रन, महिपाल लोमरोर ने 54 रन, जबकि कप्तान फाफ डुप्लेसी ने 45 रन का योगदान दिया था। दिल्ली की ओर से मिशेल मार्श ने 2 विकेट लिए थे। इस मुकाबले में फिल सॉल्ट ने 45 गेंद पर 87 रनों की पारी खेली थी। इस ताबड़तोड़ पारी की बदौलत ही दिल्ली ने 20 गेंद बाकी रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया था। इसके बाद क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया पर सिराज को जमकर ट्रोल भी किया। हालांकि मैच के बाद जब सिराज ने सॉल्ट को गले लगाया तो क्रिकेट फैंस ने उनकी तारीफ भी की। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच विवाद की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने ही की थी, जब विराट कोहली विपक्षी गेंदबाज नवीन उधक से भिड़ गए थे। मैच खत्म होने के बाद विराट और सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर में भी कहासुनी हुई थी। दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 100% जुर्माना भी लगाया गया था। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।